बीते एक सप्ताह से प्रदेश झारखंड राजनीतिक अस्थिरताओं के भयावह दौर से होकर गुजर रहा है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी के बाद शिबू सोरेन परिवार से लेकर चंपई सोरेन सरकार तक में भूचाल की स्थिति बनी हुई है। पर उन तमाम समस्याओं से दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपनी सूझबूझ और लंबे राजनीतिक अनुभव से परिवार और सरकार को सुरक्षित बाहर बचा ले आए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सोरेन परिवार से खबर आती रही कि परिवार सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर बिखराव के मुंडेर पर खड़ा मुंह बाएं ताक रहा है, जबकि चंपाई सोरेन सरकार को लेकर खबर आती रही कि उनके घटक दल कांग्रेस में मंत्री पद की कुर्सी के लिए अंदर ही अंदर जंग छेड़ दी है। वो भी तब जब चंपाई सोरेन सरकार ने अपना बहुमत विधानसभा में साबित भी नहीं किया था। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में से एक शिबू सोरेन का परिवार लगातार मुसीबतों का सामना कर रहा है। हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन का परिवार अब और कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं दिखता, जबकि हेमंत सोरेन के सबसे छोटे भाई बसंत सोरेन के नाराज होने की खबर से भी चंपाई सोरेन सरकार की शक्ति संतुलन के बिगड़ने की अक्सर आहट सुनाई पड़ती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों, जो सत्ता बीते 4 सालों में शीर्ष पर थी। रघुवर सरकार के बाद जो सरकार झारखंड में दूसरी बार अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने जा रही थी, आखिर उस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन से तथाकथित ऐसी चूक क्या हुई जिसने पूरे परिवार को राजनीतिक शून्यता के अहाते पर लाकर छोड़ दिया है। रांची स्थित डीएवी बरियातू के पीछे 8.46 एकड़ की उस जमीन का वो मामला आखिर क्या है जिसके फर्जीवाड़े के आरोप में हेमंत सोरेन को न सिर्फ सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी तक भी हुई है, और अब वे फिलहाल दूसरी बार 5 दिनों तक ईडी की रिमांड पर भी हैं, जहां ईडी हेमंत सोरेन से हीनू स्थित ईडी कार्यालय में जमीन फर्जीवाड़े मामले में उनसे सवाल जवाब कर रही है। आज द फोर्थ पिलर पर रांची स्थित डीएवी बरियातू के पीछे 8.46 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े की कलई खोलेंगे और बताएंगे आपको किस 8.46 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का नाम पहली बार इस केस में कैसे सामने आया। राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद ने ईडी के सवालों का जवाब देते हुए ये क्यों कहा कि ये बॉस की जमीन है। ईडी द्वारा बॉस के बारे में पूछे जाने पर राजस्व उपनिरीक्षक ने क्यों कहा कि हमारे ग्रुप में बॉस हेमंत सोरेन को कहा जाता है। खैर आइए, आज हेमंत सोरेन जिस जमीन के फर्जीवाड़े के आरोप में सलाखों के पीछे हैं, ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको समझाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर इतना तय है कि आप आसानी से इस पूरे बहुचर्चित माजरे को समझ पाएंगे और यह भी समझेंगे कि एक अदने से सरकारी कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के बयान को आधार बनाकर ईडी ने सीटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की त्वरित गिरफ्तारी का प्लान आखिर कैसे तैयार कर लिया। आज से ठीक 2 साल पहले यानी साल 2020 की बात है, तब जून का महीना था और तब पूरा देश कोरोना की चपेट में था। देश पहली दफा लॉकडाउन झेलने को मजबूर था। तभी मौका देखते ही राजधानी रांची में जमीन दलालों का एक गिरोह अचानक एक्टिव हो गया। लॉकडाउन के दौरान जमीन दलाल एक्टिव इसलिए भी हुए क्योंकि सरकारी दफ्तरों के लगभग सभी अधिकारियों को घर में रहने का सरकारी आदेश था। चंद जरूरी अधिकारी ही दफ्तर में मौजूद थे, इसलिए आसानी से दफ्तरों में मौजूद उन अधिकारियों को भी अपने गैंग में शामिल कर जमीन की असली कागजात से छेड़छाड़ किया जा सकता था और मूल रैयत की जगह फर्जी रैयत बनकर करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश कामयाब हो सकती थी। और इस गोरख धंधे का परिणाम देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजधानी रांची में झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है रिम्स। इसी अस्पताल में तब अफसर अली नाम का एक अधिकारी हुआ करता था। उसने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की पूरी हिस्ट्री खंगाल ली और जानकारी हासिल करने के बाद अफसर अली ने बड़े बड़े जमीन माफिया और अंचल अधिकारी की मिलीभगत से जो किया वो झारखंड के सबसे बड़े जमीन फर्जीवाड़े के तौर पर याद किया जाएगा। ये कहानी उस जमीन के फर्जीवाड़े की है जिस जमीन फर्जीवाड़े में ईडी ने एक अदने से सरकारी कर्मचारी सीओ से पूछताछ की और सीएम हेमंत सोरेन तक को जेल जाना पड़ा। अफसर अली ने सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़े की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के असली कागजात कलकत्ता के रजिस्ट्री कार्यालय में मौजूद थे, इसलिए फर्जीवाड़े के लिए जरूरी था कि कलकत्ता के रजिस्ट्री कार्यालय में अफसर खान और उसका गैंग पहुंच बनाए।
कहते हैं जब गलत करने वाला गलत कर रहा होता है तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। अफसर खान और उसके पूरे गैंग ने कई अन्य जमीन दलालों और रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर कलकत्ता के रजिस्ट्री कार्यालय में रखी जमीन के मूल दस्तावेज में बैक डेट से एक एक कर कई जाली कागजात लगाए और मूल रैयत जयंत कर्नाड के पूर्वजों का नाम केमिकल से मिटाकर फर्जी रैयत प्रदीप बागची के पूर्वजों को बताया और साथ में जमीन के असली दस्तावेज में फर्जी कागजात लगाकर यह दिखलाया कि साल 1932 में फर्जी रैयत प्रदीप बागची के पूर्वजों ने यह जमीन रैयतों से खरीदी थी। जब यह पूरा सिंडिकेट कलकत्ता के रजिस्ट्री दफ्तर में फर्जीवाड़े के इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था तब इस गिरोह ने गलती से कई अहम सबूत वहीं सरकारी दफ्तर यानी रजिस्ट्री कार्यालय में छोड़ दिए और उसी गलती या फिर चूक से पहली बार इस बड़े हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। पहली चूक ये थी कि सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के असली कागजात वर्षों पुराने थे। असली कागजात पर दीमकों ने कई छेद कर दिया था पर गिरोह ने जो असली रैयत जयंत कर्नाड के पूर्वजों का नाम केमिकल से मिटाकर फर्जी रैयत प्रदीप बागची के पूर्वजों को बनाया था वो पन्ना एकदम सही सलामत था, यानी पूरे कागजात में दीमक लगे थे और फर्जी रैयत वाले कागजात जस के तस पड़े थे, बिल्कुल 2-3 साल पहले गलत तरीके से जोड़े गए पुराने पन्ने जैसे। इस बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे का सबसे बड़ा आधार और सबसे पहला सुराग यही था। इस गिरोह से दूसरी सबसे बड़ी चूक यह हुई कि गिरोह ने फर्जी कागजात के सहारे जमीन के असली मालिक जयंत कर्नाड के पूर्वजों का नाम केमिकल से मिटाकर यह दिखलाया कि प्रदीप बागची के पूर्वजों ने साल 1932 में यह जमीन रैयतों से खरीदी थी और इस दस्तावेज में गवाह का मूल जिला आरा भोजपुर बताया गया। अब सबसे बड़ी चूक यहां यह है कि गवाह का जो पता है आरा भोजपुर, वो आरा भोजपुर जिला अस्तित्व में आया ही है साल 1972 में, जबकि जमीन की खरीदारी दिखलाई गई है साल 1932 में। जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह की दूसरी बड़ी सुराग यही थी, जहां से पता लगा कि जमीन के असली कागजात में बहुत बड़ा झोल है। गड़बड़ छोड़ी, महागड़बड़ी तो यह थी कि जयंत कर्नाड जो इस जमीन के असली मालिक थे, हकदार थे, उनका नाम केमिकल के सहारे मूल दस्तावेज से हटाकर प्रदीप बागची को असल मालिक बताया गया और इस फर्जी मालिक प्रदीप बागची ने 4.55 एकड़ जमीन जगत बंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष को बेच दी और यह सब कुछ फर्जी तरीके से होता रहा और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लग सकी। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि कहानी का प्लॉट तो दमदार है, इसमें एक्शन है, थ्रिलर है, क्राइम है, पर इस पूरे फर्जीवाड़े में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम कहां है जिसके फर्जीवाड़े के आरोप में ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। अब भूमिका की जगह विषय पर आते हैं। रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से बरियातू थाने में एक FIR दर्ज कराई गई। आरोपी प्रदीप बागची को बनाया गया। प्रदीप बागची के खिलाफ आरोप क्या थे? आरोप थे फर्जी कागजात के जरिए फर्जी रैयत बागची द्वारा 4.55 एकड़ सेना की कब्जे वाली जमीन का फर्जी तरीके से कब्जाया जाना। मामला संज्ञान में आया, जांच की जवाबदेही रांची के तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को दी गई। तत्कालीन रांची कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी ने पूरे मामले की जांच की और रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि फर्जी नाम और पते के आधार पर 4.55 एकड़ सेना की कब्जे वाली जमीन पर प्रदीप बागची का अवैध कब्जा है। रांची के तत्कालीन कमिश्नर कुलकर्णी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि DC समेत इस गिरोह में शामिल सभी संभावित सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की, लेकिन मामला दब गया या फिर ऊपर से दबा दिया गया, यानी कुल मिलाकर न जांच आगे बढ़ी और न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हो सकी। ईडी को इस पूरे मामले की खबर लग चुकी थी क्योंकि बरियातू थाने में रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने फर्जी रैयत प्रदीप बागची के खिलाफ FIR लॉज कराई थी, इसलिए इस दर्ज केस के आधार पर ईडी ने इस केस में ECIR दर्ज की और जांच अपने हाथ में ले लिया। साल 2022 की बात है, ईडी ने सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ के फर्जीवाड़े के मामले में कुछ सुराग हाथ लगने के बाद रांची के जाने माने व्यापारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और साथी अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी को इन व्यापारियों के ठिकाने से कई अहम सुराग मिले। ईडी ने सेना की कब्जे वाली जमीन की पूरी हिस्ट्री फिर से खंगाली। एक बार नए सिरे से पूरा दस्तावेज खंगाला गया। खंगालने पर इस जमीन के बारे में जो पता चला वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ईडी को पता चला कि सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ की जमीन BM लक्ष्मण राव की थी, यानी BM लक्ष्मण राव ही 4.55 एकड़ जमीन के मूल रैयत थे जिन्होंने आजादी के समय इस जमीन को सेना को सौंप दी थी।
यह जमीन 1 अप्रैल 1946 से सेना के कब्जे में है। बीएम लक्ष्मण राव की जमीन पर सेना के कब्जे के 14 बरस बाद मार्च 1960 से मूल रैयत बीएम लक्ष्मण राव को जमीन के बदले सेना ने 446 रुपए प्रति वर्ष क्षतिपूर्ति के रूप में देने शुरू की। बीच बीच में सेना और मूल रैयत बीएम लक्ष्मण राव के बीच जमीन का किराया बढ़ाने को लेकर एग्रीमेंट होता गया और सेना इसकी कीमत बीएम लक्ष्मण राव को चुकाती थी। फिर साल आया 1998 में मूल रैयत बीएम लक्ष्मण राव की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद यह जमीन उनके वारिस जयंत कर्नाट की हुई। साल 2007 में जमीन के उत्तराधिकारी जयंत कर्नाट ने सेना की जमीन खाली कराने और बकाया किराए के भुगतान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका के एक साल बाद यानी 22 अक्टूबर 2008 को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि सेना 20 नवंबर 2008 तक के किराए का भुगतान जयंत कर्नाट के पक्ष में करे। हाईकोर्ट के इस आदेश के 4 महीने बाद 11 मार्च 2009 को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जयंत कर्नाट के पक्ष में 4.5 एकड़ जमीन को रिलीज कराने का आदेश सेना को दे दिया। इस आदेश के करीब 10 बरस बाद साल 2019 में जमीन के असली रैयत जयंत कर्नाट ने यह 4.5 एकड़ जमीन 13 रैयतों को बेच दी। रजिस्ट्री रांची के तत्कालीन सब रजिस्टर राहुल चौबे ने की थी, पर तब उस समय भी जमीन पर सेना का कब्जा था, इसलिए रजिस्ट्री के बाद भी बड़गाई सीओ ने आवेदन रिजेक्ट कर दिया। 8 अप्रैल 2021 को प्रदीप बागची, जिसने फर्जी तरीके से कलकत्ता के रजिस्ट्री ऑफिस में केमिकल का उपयोग कर मूल रैयत जयंत कर्नाट के पूर्वजों का नाम मिटाकर अपने पूर्वज का नाम जोड़ा था, उसने सेना के कब्जे वाली जमीन पर अपना दावा करते हुए रांची डीसी को एक आवेदन दिया। फर्जी रैयत प्रदीप बागची ने कहा कि कुछ भू माफिया जाली दस्तावेज तैयार कर मेरी रैयती जमीन बेच दी है, जमीन की दाखिल खारिज कराने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। फर्जी रैयत प्रदीप बागची ने अपने दावे में यहां तक कहा कि उनके पिता स्वर्गीय प्रफुल्ल बागची ने यह जमीन 1932 में निबंधित दस्तावेज के साथ खतियानी रैयत से सीधी खरीदी थी। इसकी रजिस्ट्री कोलकाता में हुई थी। वह जमीन मौखिक रूप से सेना को उपयोग करने के लिए दिया गया था। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रदीप बागची ने जमीन माफिया और अधिकारियों के साथ मिलकर इस जमीन के मूल कागजात में जयंत कर्नाट के पूर्वजों का नाम केमिकल से मिटाकर फर्जी तरीके से अपने पूर्वजों का नाम जोड़ा था। इसलिए उसने रांची डीसी को झूठ बोलकर यह दावा किया कि सेना की कब्जे वाली जमीन जयंत कर्नाट की नहीं बल्कि उसकी। फर्जी रैयत प्रदीप बागची ने साल 2021 में ही ऑनलाइन प्रक्रिया से उस जमीन का पजेशन सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। अब देखिए खेल, फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल देकर नगर निगम से होल्डिंग नंबर भी हासिल कर लिया। इसी कागजात के आधार पर 1 अक्टूबर 2021 को फर्जी रैयत प्रदीप बागची ने करीब 7 करोड़ रुपए सरकारी वैल्यूएशन दिखाकर यह जमीन की रजिस्ट्री कोलकाता की कंपनी जगत बंधुटी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार घोष के नाम भी कर दी और इतना फर्जीवाड़ा भी हो गया और बाकी लोगों को इस खबर तक कोई पता नहीं। खैर, ईडी ने आजादी से लेकर अब तक इस 4.55 एकड़ जमीन का पूरा इतिहास निकाल लिया और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ईडी ने कोलकाता स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में छापेमारी की, दस्तावेज को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा और फिर खुलासा हुआ कि जयंत कर्नाट इस जमीन के मूल मालिक हैं और फर्जी तरीके से प्रदीप बागची, अफसर अली, अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन सरीखे, तमाम बड़े लोगों की मदद से एक नहीं बल्कि झारखंड के ऐसी कई जमीनों के कागजात पर केमिकल से मूल रैयत का नाम मिटाकर अपने पूर्वजों का नाम जोड़कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। ईडी ने पाया कि झारखंड में ऐसी दर्जनों जमीनें हैं जिनके असली मालिक कोई और हैं लेकिन इन्हें फर्जी दस्तावेज के जरिए हड़प लिया गया है। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। इनमें से 2 अफसर अली और भानु प्रताप प्रसाद सरकारी कर्मचारी थे। अफसर अली सरकारी अस्पताल रिम्स में 3rd ग्रेड की नौकरी करता था जबकि भानु प्रताप प्रसाद रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था। इस गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद 4 मई 2023 को ईडी ने रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आईएएस छवि रंजन पर आरोप था कि उसने इस पूरे सिंडिकेट की प्रशासनिक तौर पर जमीन के फर्जीवाड़े में खूब मदद की और बदले में इस दलालों के पैसों पर ऐश करने देश विदेश तक टूर पर चले गए। अब आप बस एक आखिरी नाम याद रखिए, नाम किसका? भानु प्रताप प्रसाद। वही भानु प्रताप प्रसाद जो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था और जिसने फर्जी रैयत प्रदीप बागची को जयंत कर्नाट की जमीन हड़पने में खूब मदद की थी। ईडी ने जब भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ की तो उसने एक और जमीन का जिक्र किया, 8.46 एकड़ जमीन
जो रांची स्थित डीएवी बरियातू के पीछे है। ईडी को भानु प्रताप प्रसाद ने बताया कि 8.46 एकड़ जमीन का सर्वे का आदेश सीएम हाउस से आया था। उसे जमीन के सर्वे का आदेश उदय नाम के व्यक्ति ने दिया था। उदय ने तब कहा था कि ये बॉस की जमीन है। ईडी के अधिकारियों ने जब भानु प्रताप प्रसाद से पूछा कि बॉस कौन है, तब उसने हेमंत सोरेन का नाम लिया। साथ ही भानु ने बताया कि उन्हें सर्वे का आदेश सीओ मनोज कुमार ने भी दिया था। इसके बाद ईडी ने मनोज कुमार का बयान भी लिया। मनोज कुमार ने स्वीकार किया कि जमीन हेमंत सोरेन की है, उन्हें ही सभी बॉस कहते हैं। फिर क्या था? ईडी ने बरियातू की जमीन, जिस जमीन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की, वो डीएवी बरियातू के पीछे है। 12 प्लॉट में बटी जमीन का कुल रकबा 8.46 एकड़ है। ईडी की जांच रिपोर्ट में जिक्र है कि पूरी जमीन की बाउंड्री की गई है। ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद के बयान दर्ज किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुल एक एक कर 10 समन भेजे। पहले 7 समन पर तो हेमंत अनुपस्थित रहे, पर 8वें समन पर उनसे 20 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की। फिर अचानक 27 जनवरी को सीएम दिल्ली गए और उनके ट्रेसलेस होने की सूचना आने लगी। और फिर तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन से 31 जनवरी के दिन ईडी ने दोबारा उनसे पूछताछ उनके आवास पर की और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ईडी की कस्टडी में वे राजभवन गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब हेमंत राजभवन गए तो उनके साथ चंपाई सोरेन, माले विधायक विनोद सिंह, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और आलमगीर आलम भी थे। चंपाई सोरेन ने अपने विधायकों के समर्थन पत्र के मातहत राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर करीब एक दिन तक झारखंड में अस्थिरताओं का दौर रहा। न झारखंड में कोई मुख्यमंत्री था, न कोई मंत्री, न राष्ट्रपति शासन था और न ही कोई सरकार। अगर 1 फरवरी झारखंड के लिए कोई दिन था तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का आखिरी दिन था और चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। यानी 1 फरवरी को झारखंड में न सरकार अस्तित्व में थी और न ही राष्ट्रपति शासन था। तो ये जमीन का पूरा मामला क्या था? पहले ये जमीन सेना के कब्जे वाली जमीन थी, जिसको लेकर इतना बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और फिर एक एक कर सभी अधिकारी और सभी जमीन दलाल अभी सलाखों के पीछे चले गए। उसी में से एक भानु प्रताप प्रसाद ने बॉस का नाम लिया और बॉस का जिक्र करते हुए बताया कि डीएवी बरियातू के पीछे जो जमीन है वो बॉस यानी हेमंत सोरेन की है और इसी जमीन के वजह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल दूसरी बार ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर है। ये पूरा जमीन का मामला क्या था, आज हमने द फोर्थ पिलर की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको पूरी जानकारी साझा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ इस पूरे जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में जो कुछ भी घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम को अगर आप समझ गए हों तो इस पूरे वीडियो को आप अन्य लोगों तक शेयर भी करें। शुक्रिया।